हो गया, हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह कंप्लेंट डाली, हमने इनको पीछे गली वालों को बोला है कि हम अपने पैसों की पाइप डाल देते हैं, ये हमें पाइप भी नहीं डालने दे रहे। 600 के टैंकर आते हैं, 1.5 साल हो गया हमें टैंकर मंगाते हैं, लेकिन हमने बोला भी हम गली का पैसा देते हैं, हमें पाइप डालने दो। गर्मियों का प्रकोप बढ़ते ही चंडीगढ़ के कई हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है, जहां पर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही। बीते मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम में शामिल किए गए गांव रायपुर खुर्द के लोगों ने सड़क पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। यहां पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का कहना है कि गांव के लोग जब अधिकारियों के पास समस्या लेकर जाते हैं तो जवाब मिलता है कि यह एरिया हमारे पास नहीं आता। महिलाओं के मुताबिक गर्मियों का प्रकोप बढ़ने से पानी की खपत बढ़ जाती है, लेकिन उनके पास तो पीने के पानी के भी लाले हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे टैंकर से पानी भरते हैं और कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, मोटर चलाकर भी पानी नहीं आता। नीलम रानी। नीलम जी, किन किन क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ ना 1.5 साल हो गया, हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह कंप्लेंट डाली, हमने इनको पीछे गली वालों को बोला है कि हम अपने पैसों की पाइप डाल देते हैं, ये हमें पाइप भी नहीं डालने दे रहे। क्यों? क्योंकि इनके घरों में 3-3 कनेक्शन है। आप यहाँ पे कभी भी आके देख लो, सिर्फ इसी गली को प्रॉब्लम है और किसी गली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ टैंकर वाले को पूछ लो, टैंकर यहीं खड़ा होता है। प्राइवेट टैंकर वो भी इसी गली के आते हैं, सरकारी है वो भी इसी गली के आते हैं, पीछे कोई टैंकर नहीं आता। इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ जी, ये हमने सरकारी भी और प्राइवेट 500-600 के टैंकर आते हैं, 1.5 साल हो गया हमें टैंकर मंगाते हैं, लेकिन हमने बोला भी हम गली का पैसा देते हैं, हमें पाइप डालने दो, लेकिन उन्होंने इतनी ऑब्जेक्शन की कि पुलिस तक भी है। यहाँ पे गली में रोज पुलिस आती है और पुलिस भी हमारा कुछ नहीं साथ दे रही। 1.5 साल हो गया, हमने पूरी रातें हमने जाग जाग के काटते हैं, हम एक दिन भी नहीं सो के देखा। हमें वहाँ पे भी सप्लाई के लिए हमने बात की, हमारा एक टाइम बांध दो, उन्होंने 12 से एक टाइम किया, तब भी लोगों को पता चल गया, तब भी हमारी सप्लाई बंद होगी। सब कुछ हमने जेई तक फ़ोन कर लिया, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारा समाधान करो, हमारे छोटे छोटे मेरी खुद की 10-10 साल की बेटी गुरुद्वारे वॉशरूम करने जाती है, मेरी खुद की बेटी जाती है, मैं खुद अपने वहाँ कपड़े धोने जाती हूँ। आप गुरुद्वारे जाके पता करो कि कौन सी लेडीज आपके घर पे आपके गुरुद्वारे में कपड़े धोने आती है। ये है कि थोड़ा तो इनको करना चाहिए ना। हमारा हम ये भी कह रहे हैं कि चलो जैसे आपकी गली है वैसे बनवा देंगे, पर इनको पता नहीं क्या तकलीफ है कि ये हमें पाइप ही नहीं डालने दे रहे। हम अपने पैसा लगा के भी पाइप नहीं डाल रहे, इतना क्या है? गली में टैले ही है, कुछ और तो नहीं है। 1.5 साल से परेशान है हम, और कोई नहीं यहाँ पे सुनवाई है। आते हैं बस घूम के चले जाते हैं। जेई साहब को बोलो 2 दिन यहाँ रह के देखें, एक टाइम रोटी के बगैर बंदा रह सकता है? पानी के बगैर नहीं रहा जाता। कितनी मुश्किल है, क्या यहाँ से बाल्टियां भर भर कितना के गुजारा होगा, आप खुद ही बताओ। अभी यहाँ पर मौके पर अधिकारी भी आए हैं, तो उनको फिर यहाँ आना चाहिए ना। उनके पास क्या कर रहे हैं वो खड़े होके? यहाँ देखो मोटरें चलवाओ, यहाँ पे मोटर चला के भी पानी नहीं आ रहा है। और पीछे देखो जरा, उनको सरकारी बंदों को चाहिए, पीछे देखो कितनी बड़ी बड़ी मोटरें लगी हैं। हाँ, अब पाइप डलवाओ, सारी गली बनवा के सबके कनेक्शन चेक करवाओ, एक घर में कितने कितने कनेक्शन है, पाइपें डलवा के दो हमें। हाँ, आज हाथ जोड़ के बेनती है, हम ऐसे परिवार की लेडीज है कि जहाँ हमने एक पैर नहीं कभी राशन तक नहीं लेने गए और हमें आज ये काम करने पड़ रहे हैं। मेन हमारा मकसद है कि हमें ना पाइप डलवाने की परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया। आप गवर्नमेंट से हमारी यही है कि हमें पाइप डलवा के दे बस। क्या नाम है आपका? गुरदीप है सर। क्या कहना है ना, देखो हमारे ना घर में मेरे वो फादर ला है, वो बीमार है, फिर भी वो बेचारे अंदर बैठे हैं, उनको वहाँ छोड़ के मैं यहाँ बैठी। आप बेशक जाके उनका देख लो अंदर, वो कैसे बीमार, उनको छोड़ के मैं आ नहीं सकती, फिर भी पानी भर रहे हैं। 3 दिन हो गए हमें पानी बिल्कुल नहीं, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। रात को सारी सारी रात हम जाग के बैठते हैं, बताओ क्या करें, कोई फायदा नहीं है चंडीगढ़। इससे तो अच्छा पंजाब बढ़िया है, फिर तो चंडीगढ़ में हमने इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पे लिया, सब कुछ करा, मगर ये लोग हमारा बिल्कुल साथ नहीं देते। इनके बहुत आ रहा है पानी, जो आगे वाले हैं तीन ना, सिर्फ एक काम करो, हमने तो टैंकर अपनी टैंकियों से भरा ना, बाल्टियों से। आप सबके कनेक्शन चेक करके जाओ, सबकी टैंकियां चेक करके जाओ, कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जिसके में पानी नहीं होगा। आप आए हो ना सर आज ये काम। रायपुर खुद निवासियों ने चंडीगढ़ वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिस्पोजेबल कमेटी के चेयरमैन अनिल दुबे के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद अनिल दुबे ने वाटर सप्लाई के अधिकारियों सहित रायपुर खुद का दौरा किया। वहीं अनिल दुबे ने कहा कि कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि जहां भी पानी की दिक्कतें आएंगी वहां अधिकारियों संग दौरा करेंगे। वहीं अधिकारियों ने भी पूरा आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का हल किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के रायपुर खुर्द में और पानी की समस्या काफी आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का दौरा है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिन यहाँ पर मौजूद है। अभी आप यहाँ पर दौरा करने आए हैं तो किन किन
समस्याओं का सामना करना। कुछ वर्ड्स लगेगी कि आ रही थी कंप्लेंट्स वगैरह, वो चेक कर ली, जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर दी जाए। लोगों का कहना है कि डेढ़ साल से हमें समस्याएं आ रही है पर कोई सुनता नहीं हमारी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आता रहता हूँ, मेरी टीम भी पूरी आती रहती है। आज वाटर सप्लाई के अपने चेयरमैन दुबे जी भी आए हुए हैं, प्रॉब्लम देख ली हमने कहाँ कहाँ पर है, उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज कमेटी के भी चेयरमैन अनिल दुबे जी भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर एरिया का दौरा करने आए थे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना उनका। कमेटी की मीटिंग में हमने एक डिसीजन लिया था कि जहाँ हम पानी की दिक्कतें हैं वहाँ हम अधिकारियों के साथ दौरा करेंगे, उसी सिलसिले में आज हम रायपुर खुर्द में आए थे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, जो है वो हमने बता दी है एक्सचेंज साहब को, एसडीओ साहब को, वो अपना जो भी है सीवरेज और पानी की प्रॉब्लम, वो उन्होंने कहा कि हम इसको दूर कर देंगे। अभी तत्काल हमने ये बोला कि जहाँ पर सप्लाई थोड़ी कम है टैंकरों की संख्या बढ़ा दें, एक ट्यूबवेल का यहाँ प्रपोजल है, मैं वो बात करूँगा कि वो जल्दी लग जाए यहाँ पे। तो यहाँ कैनाल वाटर की भी प्रपोजल गई हुई है मौली जागरा। बात की जाए गाँव की तो लाल डोरे से बाहर लोगों को अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं आता, ऐसे में गर्मियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पानी नहीं मिल पाता लोगों को। नहीं, ये दिक्कत तो है, अब जब कॉरपोरेशन को जो ट्रांसफ़र हुए हैं गाँव, उसमें सिर्फ रेल लाइन के अंदर का एरिया दिया गया है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तो वही एरिया देखना है, लेकिन पानी और बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड उनको करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रशासन के पास है और वाटर सप्लाई जो है वो कॉरपोरेशन के पास है, तो पानी की दिक्कतें जो रेल लाइन के बाहर है वो भी हमारे एक्सचेंज एसडीओ जेई जो अधिकारी हैं वो देखते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, और इसकी बात भी चल रही है कि इसको इसका कोई जल्द से जल्द निर्णय हो सके, क्योंकि पानी हमारा लोग पी रहे हैं और हम उनसे पैसे उसका जो बिल है नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ जो डिसीजन होगा वो प्रशासक महोदय ने लेना है। तो ये थे हमारे साथ अनिल दुबे, जो कि वाटर सप्लाई एंड सीवरेज के भी चेयरमैन हैं, और आज इन्होंने रायपुर खुर्द का भी दौरा किया, जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पानी की समस्या से जूझ रहे थे। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।